हेलो बच्चों, बहुत सारे बच्चे इस बार बिहार बोर्ड क्लास 10 के बच्चे इस बार एग्जाम देने वाले हैं और अभी बहुत सारे बच्चे शॉपिंग कर रहे होंगे, कपड़े खरीद रहे होंगे और एग्जाम जाने के सेंटर जाने की तैयारी कर रहे होंगे और बस उनका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा क्योंकि क्लास 12 के बच्चों का क्वेश्चन बहुत अच्छा ही था, रिपीटेड क्वेश्चन था। आपका भी अच्छा ही क्वेश्चन आएगा, आपको डिप्रेशन में नहीं रहना, टेंशन में नहीं रहना। बहुत सारे बच्चे मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर करके मेरा व्हाट्सएप भरा पड़ा था कि सर सेंटर पर जाएँ, परीक्षा देने जाएँ तो किन गलतियों से बचे, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए और कैसे हम अच्छा एग्जाम दें। तो मैंने इस पर वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आप सेंटर पर जाएँ तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये 5 गलती आप नहीं करना चाहिए, जिससे अगर आप नहीं करते हैं तो आपके इससे मैं कहता हूँ 10 से 12 नंबर बढ़ जाएंगे और आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, आप अच्छा एग्जाम देके आएंगे। तो क्लास 10 के बच्चे, आप लोग का एक सपना है, 10 सालों का मेहनत है, काफी उम्मीदें हैं आप पे माँ बाप और टीचर्स के, आप अच्छा कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप बस तैयारी करते रहे। तो मैं बताता हूँ सबसे पहले कि आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। ये 5 गलती आप कभी भी नहीं करें अपने सेंटर में, चाहे आप 10 का दे रहे हैं, 12 का दे रहे हैं या और भी, आप अगर गवर्नमेंट जॉब भी दे एग्जाम देते हैं गवर्नमेंट वाली, तो उसमें भी गलती नहीं करना चाहिए। सबसे पहला, घबराइए नहीं। बहुत सारा बच्चा एग्जाम में बैठा, अब उसके पसीने छूटने लगे, कैसा क्वेश्चन आएगा, कैसे होंगे, उसने उसको क्वेश्चन मिला वो घबराने लगा, तो घबराना नहीं है। बी कॉन्फिडेंस, आप पढ़ाई किए हैं, एकदम कॉन्फिडेंस रहिए, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, मैंने पहले ही बताया। दूसरा नंबर, बहुत सारे बच्चे ये करते हैं ना कि जब क्वेश्चन मिला उसको आया, अब वो दूसरे को बताने में है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे पूछने में रह जाते हैं। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ, आप इतने सालों से पढ़ाई किए और आपके आप जब पढ़ाई की तो क्यों पूछना। और जो बच्चे दूसरे को बताते हैं, पहले ये समझ लेना है कि आप पहले खुद कॉपी भर लो, तब दूसरे को थोड़ा बहुत बता लेना। अब मेरे पास पर्याप्त है नहीं तो मैं दूसरे को कैसे दूँ, जब मेरे पास ज्ञान नहीं तो मैं दूसरे को कैसे दूँ। तो आपको दूसरे को पूछने में और बताने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। तीसरा नंबर, किसी भी कठिन सवाल में उलझे नहीं। सारे बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ, किसी भी कठिन सवाल में उलझे नहीं। आपको मल्टीपल दिया गया है, आप बहुत सारा चॉइस दिया है, आपको 30 में 15 बनाना है, आपको 8 में से 4 बनाना है, तो आप क्यों उस पर टाइम वेस्ट करते हो। बस समझ आई, आप जो है टाइम वेस्ट नहीं करना है। और किसी भी कठिन सवाल में आपको वो क्वेश्चन नहीं आता, दूसरा क्वेश्चन बना लो, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो है आपको कठिन सवाल में उलझना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना, आगे बढ़ के बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। उसके बाद बच्चों, 4 नंबर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने 2-3 वीडियो में बताया था कि ज्यादा काट कूट नहीं कीजिएगा, ज्यादा खिचड़ी मत बनाइएगा अपने पेपर में, तो चेक करने वाले आपकी कमी देख लेते हैं, थोड़ा सा भी नुक्ता अगर हो जाएगा आपकी कॉपी में, अगर आप काट कूट ज्यादा कर दीजिएगा तो फिर एग्जामिनर आपको एवरेज मार्क्स देगा, मे बी पास मार्क्स देगा, आप फर्स्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद 5वां नंबर क्या है बच्चों, कि अंतिम समय तक लिखते नहीं। अब बहुत सारे बच्चे, अब जैसे एग्जाम हॉल में आए, लास्ट टाइम हो गया, आप पेपर सब कर रहे, ऐसा रुकिए 2 मिनट लिखने दीजिए, ऐसा 2 मिनट लिखने दीजिए, ऐसा काम नहीं करना है। आप 5 मिनट पहले प्रिपेयर रहे, 5 मिनट पहले आप सारे कॉपी चेक कर लीजिए, और 5 मिनट पहले आपको देख लेना है कि मेरा छूट तो नहीं गया, कहीं मैंने ऑब्जेक्टिव ये वाला नंबर तो नहीं कर पाया, कि मैंने ये क्वेश्चन तो नहीं बनाया, कहीं मैंने फिगर नहीं या डायग्राम नहीं बना पाया, तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है। तो 5 मिनट पहले आपको जो है सारा चीज़ अच्छे से चेक कर लेना है अपनी कॉपी में, और उसके बाद प्यार से एकदम सबमिट कर दीजिए, कॉन्फिडेंस लेवल से फिर आप दूसरे दिन का एग्जाम दीजिए। तो ये था, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो मैंने 5 आपको टिप्स बताए, ये 5 जो आपको मैंने मिस्टेक बताया आपको नहीं करना है, आप नहीं करेंगे आपका बेहतर एग्जाम जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।